हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपको दोस्त हेमंत। मेरे पास है रेडमी का 6A और उसमें प्रॉब्लम है, सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे UMT MT के टूल से। और इस जिस फाइल से आपको फ्लैश करना है, उस फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वही फाइल डाउनलोड करके आप इसको फ्लैश कीजिएगा तो आपकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये मेरा जो है UMT MT के टूल लॉगिन है और ये दिख रहा है आपको मोबाइल। तो सबसे पहले हमें टूल में फ़ाइल को सिलेक्ट करना है, फ्लैशर में जाना है। फ्लैशर में गए, फ्लैशर में जाने के बाद जहाँ ब्रांड लिखा है, यहाँ ब्रांड में हमें शाओमी सिलेक्ट करना है। ये देखिए, शाओमी ले लिया। और शाओमी के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है रेडमी का 6A। तो रेडमी 6A भी सिलेक्ट कर लिया और लोड स्कैटर पर क्लिक करेंगे। तो जहाँ पर भी आपने फ़ाइल डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रखी हो, डाउनलोड कर लीजिएगा और एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। वहाँ से आप ये देखिए, मेरी ये रखी ऑक्टोपस कैक्टस ग्लोबल इमेज, ये 11.0.9 11.0.9 ये वाली फाइल है। इसी से आपको फ्लैश करना है स्कैटर और ओपन। इमेज में जाके स्कैटर को सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। हमारा जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ है, मैंने इसको स्विच ऑफ कर लिया था। और अब हमें फ्लैश पे क्लिक कर देना है यहाँ पे टूल में, और मोबाइल की वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखना है और केबल को लगा देना है। ये देखिए, वेटिंग फॉर वीरोम लिखा रहा है। वॉल्यूम अप डाउन की को दबाया, केबल को लगा दिया, ये हमारा पोर्ट डिटेक्ट कर लिया इसने। तो हमारी जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो गई। अब आगे चल के हम देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए, मैंने इसको 10x फास्टर कर दिया है, 10x फास्ट कर दिया है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता। और मुझे आपको जो जो कुछ बताना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आगे बता दूंगा। तो मैंने यहाँ पर वीडियो जो है 10x फास्टर कर दिया ताकि ये फ्लैशिंग का जो है ये फास्ट हो जाए। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे जो फ्लैशिंग है ये जो कंप्लीट होने वाली है। तो फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। और फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको, या कमेंट कीजिएगा, मुझसे जो हेल्प बनेगी मैं करने की कोशिश करूँगा। अभी देखिए, यहाँ पर फ्लैशिंग जो है हमारी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है और ये वीडियो जो है मैंने 10x फास्ट कर दी है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो है यूज़र डेटा की फाइल भी अपलोड हो चुकी है, हमारी जो फ्लैशिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ये लिखा गया ना, फ्लैशिंग डन। फ्लैशिंग हमारी जो है यहाँ पे डन हो चुकी है। अब मोबाइल को सीधा निकाल के ऑन करना है। ये देखिए, यहाँ पर जो है फ्लैशिंग डन, डिस्कनेक्ट केबल एंड पावर ऑन। तो हम मोबाइल को निकालेंगे और मोबाइल को सीधा चालू कर लेंगे पावर की को दबा के। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने केबल को निकाला और मोबाइल की पावर की को दबा के रखा। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा चालू होने में, तो इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है इसमें पूरा मोबाइल, तो पूरा ऑन होने में 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है। ये देखिए, मैं वीडियो को अभी ये मोबाइल हमारा जो है चालू हो रहा है, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इस तरीके से तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके के वीडियो लाता रहता हूं। ये देखिए, मैंने वीडियो 10x फास्टर कर दिया है। क्योंकि इसमें टाइम लग गया था ज़्यादा, अगर मैं ये फास्ट फॉरवर्ड नहीं करता वीडियो को तो वो लगभग 10 मिनट का हो जाता। और ये प्रॉब्लम मोबाइल का सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड आता है। ये बहुत सारे मॉडलों में आ रहा है, इसमें रेडमी 6A में, 7A में ज़्यादातर आता है। रेडमी का जो 7A है उसमें ज़्यादा आता है। तो हमारा मोबाइल जो है ये देखिए ऑन होने वाला है, और मोबाइल ऑन हो जाता है, बस कंडीशन ये है आपको कि इसी फाइल से आप फ्लैश कीजिएगा। क्योंकि या तो अपडेटेड से आप चेक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने भी ये इस कंडीशन में मोबाइल आए हैं उनको सॉल्व किया है वो इसी फाइल से फ्लैश किया है, 11.0.7 11.0.7। ये देखिए, हमारी जो प्रॉब्लम थी MI6A की, सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, वो सॉल्व हो चुकी है। तो दोबारा बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में है, मैसेज कर सकते हैं अगर कोई जानकारी चाहिए आपको, किसी भी टॉपिक को आपको समझना है, अगर मुझे जानकारी होगी उसकी तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। देखिए तो हमारा जो मोबाइल है ऑन हो चुका है। बस इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।